हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ है कौशलन भैया। भैया कानपुर से बिलोंग करते हैं और पेशे से भैया टीचर हैं। भैया को क्षार सूत्र ट्रीटमेंट दिया गया था। अब भैया पूर्ण से ठीक हैं। फिशुला इनोड भैया का डायग्नोस हुआ था MRI फिशुलोग्राम में। और भैया जो है कितने दिन में ठीक हो भैया? लगभग 1.25 महीने। 1.25 महीने में भैया पूर्ण रूप से ठीक हुए हैं। और ग्रेड 1 था ना फिशुला? ग्रेड 1 फिशुला। MRI फिशुलोग्राम में भैया का ग्रेड 1 फिशुला था। सबसे बड़ी दिक्कत भैया के साथ ये थी कि भैया को लोगों ने डरा दिया था कि क्षारसूत थेरेपी बहुत पेनफुल होती है। क्यों भैया? जी सर, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। नहीं, शुरू में जब हम एलोपैथिक और इसके सब चीजें देख रहे थे तो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम क्षार सूत्र का जिसके द्वारा सुन रहे थे तो लोग यही कहते थे बहुत कष्ट होता है इसमें। तो सर हम डरे हुए बहुत थे। हमें लगा था कि एक तो हमारी एज डेवलप है, कहीं हम इस इतना पेन सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर अंत में हम यहाँ आए लखनऊ आपके पास। हमने आपका यूट्यूब में देखा था सर, और फिर यूट्यूब में देखा तो फिर हमें लगा कि आपसे संपर्क करना चाहिए। आपके पास आए, आपने जब हमें सारा कुछ बताया और कहा कि परेशान मत हो, आप ठीक हो जाओगे, फिर 8 जुलाई को आपने हमें ट्रीटमेंट हमारा चालू किया और आज हम स्वस्थ हैं सर। अच्छा, जैसे पहले आपने मतलब आपका लोगों ने ये बोला था कि पेन बहुत करेगा। जी, जितना दिन भी आपका ट्रीटमेंट चला, जो 100 महीना, जिस दिन एक दिन भी आपको क्या पेन किलर इंजेक्शन लेना पड़ा? नहीं, जिस दिन से छासूल लागू करने बाद कोई भी पेन नहीं हुआ सर। हम आपने जब हमें डिस्चार्ज किया, हम घर गए, इजीली घर गए। नेक्स्ट डे बस थोड़ा सा आराम किया, उसके अगले दिन विद्यालय जाने लगे और फिर कंटिन्यू विद्यालय जा रहे थे। और आज चूंकि आपसे मिलना था तो आज छुट्टी है, नहीं तो कल फिर विद्यालय। फिट है बिल्कुल सर। तो एक्चुअली क्षार सूत्र कई बार पेनफुल हो जाता है। अगर हम क्षार सूत्र को बहुत टाइटली बांध दें, जैसे कोई फिशुला है, अगर उसको बहुत टाइटली बांध दें तब पेन करेगा। अगर हम फिशुला ट्रैक की केयर नहीं करेंगे, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देंगे, तब भी पेन करेगा। तो हम लोग जो बताते हैं, भैया का भी बताया था, क्यों भैया सुबह शाम धुलाई करते थे आप? जी जी, सुबह लैट्रिन जाने से पहले तेल डालते थे? जी जी सर। क्या करते थे आप सुबह? सबसे पहले तो लैट्रिन जाने से पहले जो आपने तेल बताया, एक आपने सीरीज दी, उसके द्वारा उसमें तेल डाल करके तब फिर फ्रेश होने जाते थे। उसके बाद में फिर एक पानी था जो आपके द्वारा दिया हुआ, उससे फिर सफाई होती थी और उसके बाद फिर नहाना धोना, यही क्रिया शाम को करते थे। यही क्रिया शाम को। और 5 किलोमीटर पैदल हम लोग? पैदल तो खूब आपने कहा, और चले भी हम सर खूब। तो आपको क्या करना है, अगर आप फिशुला का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और क्षारसूत से ले रहे हैं, सबसे पहले क्षारसूत बहुत टाइट ना हो, नहीं तो पेन वाकई में करेगा। बहुत लूज भी ना हो, हल्का सा स्किन टू स्किन होना चाहिए, पेन नहीं करेगा। सुबह लैट्रिन जाने से पहले जैसे कई प्रकार के डिवाइस, जैसे अगर मान लीजिए बहुत थोड़ा दवा की जरूरत है तो 1 ml की सिरिंज से हम इसको तेल को डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जरूरत है तो 3 ml की सिरिंज में भी हम इसको कैथेटर लगा के इसको सुबह शाम लैट्रिन के रास्ते में लैट्रिन जाने से पहले ऐसे पुश कर सकते हैं ना, ऐसे पुश कर लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है, जो हमारी गुदा मार्ग होती है वो तेल से जब उसमें लुब्रिकेशन होता है तो जो मल होता है हमारा वो आसानी से हमारे गुदा मार्ग से धीरे धीरे फिसल के निकल जाता है। अगर फिसल के निकल जाता है तो चूंकि ऑलरेडी मल द्वार पे चोट लगी थी, अगर मल हार्ड होगा या पत्थर जैसा होगा या सूखा होगा तो उसे और चोट लगी तभी दर्द होगा। तो दर्द ना हो इसके लिए सुबह लैट्रिन जाने से पहले जो भी आपको बताया जाए ऑयल विद हेल्प ऑफ दिस कैथेटर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। लैट्रिन से आने के बाद हल्के गुनगुने पानी में, चाहे आप फिटकरी ले लीजिए, चाहे आप स्फटिका भस्म ले लीजिए, चाहे बीटाडीन सॉल्यूशन जो आपको डॉक्टर ने बताया उसको आप यूज कर लीजिए। आने के बाद जब ये सब कर लीजिए उसके बाद फिर से फिशुला ट्रैक में इस कैथेटर को अंदर डालकर इसमें जो भी सॉल्यूशन बताया जाए, जैसे हम लोग अक्सर पालवान सवाल बताते हैं, कई बार जातारी तेल भी बताते हैं, आप इसको जो है ऐसे पुश कर देंगे तो जो फिशुला ट्रैक होगा वो बहुत ही साफ हो जाएगा। अगर उसमें, अगर आपके सोचे बॉडी में कोई फोड़ा हो, कोई फुंसी हो या कोई मान लो कोई घाव है, अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल होगा जैसे धूल मिट्टी होगा या लैट्रिन के टुकड़े उसमें भर जाएंगे तो कैसे घाव भर देंगे आप? तो लैट्रिन से आने के बाद अगर हम उस फोड़े की यानी जो घाव है उसको सफाई कर दें तो आपका फोड़ा या जो फुंसी है, जो अंदर घाव है, ट्रैक है, जो भी है, वो धीरे धीरे अपने आप धीरे धीरे भरने लगता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं होती जो घाव को मतलब भर दे। हाँ, वो हेल्प कर सकती है भरने में, लेकिन घाव आपका बॉडी खुद भरेगा। आपके जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो खुद उसको प्रमोट करेगा भरने के लिए। बस आपको उसको एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट देना है ताकि घाव आपका जल्दी भरे। तो जितनी भी चीज़ें हम कराते हैं, जो उसके ड्रेसिंग कराते हैं या साफ सफाई बताते हैं, वो केवल घाव को भरने में हेल्प करती है, ना कि घाव भरती है। घाव तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको हेल्प करता है भरने के लिए। क्यों भैया? जी सर। और जैसे रही बात क्षारसूत पेन करता है,
तो कई बार अगर छासू टाइट हो गया हो सकता है पेन करे, अदरवाइज अगर आपका छासू सही से लाइगेट किया गया है, अगर सही से उसकी आपने केयर कर रहे हैं तो इतना पेनफुल नहीं होता जितना लोगों ने बना रखा है। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि ये कैथेटर मार्केट में नहीं मिलता है, और सही बात भी है, या तो ये सर्जिकल किसी जो आपके यहाँ जो भी जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ के सर्जिकल जो मार्केट होगी वहाँ पे आप देखिए ये कैथेटर लाल, इसको लाल कैथेटर बोलते हैं, रेड कैथेटर, 6 नंबर का कैथेटर हम लोग यूज करते हैं, और ये 3-4 ml की जो भी आपके डिस्पोज सिरिंज है इसमें आप इसको लगा सकते हैं। कैथेटर काफ़ी बड़े भी आते हैं तो बड़ा कैथेटर नहीं लेना है, उसका चौथाई भाग बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं ऐसे मिला तो ऑनलाइन अमेजोन पे चले जाइए या pylomed.com है वहाँ पे आप जाएंगे तो इस तरह रबर कैथेटर के साथ आपको जैतरी तेल, पायलोवांस तेल, मतलब वो एक कम्बिनेशन में भी मिल जाता है। तो अगर आप क्षार सूत्र संबंधित या कोई भी जैसे पायल्स फिशर फिशुला संबंधित ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक बार आप इस डिवाइस का प्रयोग करके करिए, आप ईश्वर ने चाहे तो आपको बहुत कम दर्द होगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद।